गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम वी लर्न अबाउट द रेडियो फार्मास्यूटिकल द आइसोटोप द रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिविटी द यूनिट्स। सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी लर्निंग अबाउट द रेडियो एक्टिव डीके। रिएक्टिव इन्वॉल्व रिलीज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो हमारा रेडियो एक्टिव जो डीके होता है वो इन्वॉल्व करता है, जब भी हमारी कोई रेडिएशन है वो निकलती है हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, यानी कि जो कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा उसके न्यूक्लियस से जो भी हमारी रेडिएशन निकलेगी वो हमारी कहलाती है रेडियो एक्टिव डीके। द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी कंटेन्ड इन गिवन सैंपल डज नॉट रिसर्च सेम एंड कीप ऑन डिकेइंग कंटिन्यूसली। यानी कि जो हमारी रेडियो एक्टिविटी होती है जो हमसे किसी भी सैंपल से निकलेगी वो हमेशा सेम नहीं रहेगी, क्या होगी हमेशा जैसे टाइम पास करता जाएगा तो उसकी जो जो डिकेइंग की कैपेसिटी है वो हमेशा इंक्रीज करती जाएगी। ईच रेडियो न्यूक्लियाइड वेदर नेचुरल आर्टिफिशियल गेट डिसइंटीग्रेटेड बाय द एमिशन ऑफ एनर्जी। तो जितने भी हमारे रेडियो न्यूक्लियाइड है चाहे वो हमारे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो वो हमेशा डिसइंटीग्रेट करेंगे और हमेशा एनर्जी का एमिशन होता रहेगा। और ये जो हमेशा और ये जो भी कोई एमिशन होगा वो हमेशा हमेशा फॉर्म होगा हमारे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स या वेव्स या एनर्जी की फॉर्म में। तो है नेक्स्ट इज हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड अपॉन। तो जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास चार चीज है, डिसइंटीग्रेशन रेट, डीके कॉन्स्टेंट, हाफ लाइफ और टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिटेड। यानी कि चार चीजें हैं, यानी कि चार एलिमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सब इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जिसको हम टी हाफ भी बोलते हैं। तो हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डीके टू वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस टाइम पे हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से हाफ तक वो डिके हो जाता है किसी भी टाइम पे। मतलब टाइम कोई भी होगा लेकिन जिस वक्त उसकी जो डिके है वो हाफ हो जाएगी वही उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। तो टी हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा 0.693 बाय लैमडा। और यहाँ पे जो ये लैमडा है वो हमारा डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को है, यानी कि कितना ज्यादा इसका ये टी हाफ जो है हमारा वो हमारे साथ जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है उससे हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारा फर्स्ट हाफ लाइफ दैट इज 45 डेज है, 32 माइक्रोन है, तो हम यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं इसका कि कैसे हमारा रेडियो एक्टिव डिके होता है। कि अगर फर्स्ट हाफ लाइफ दैट इज 45 डेज है हमारी तो उसके बाद वो 32 माइक्रोक्यूरी बचा, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 16 बचा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद वो बच्चा हमारा 8 माइक्रो क्यूरी और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद वो 4 माइक्रो क्यूरी उसकी बच जाएंगी। ये हमारे कुछ सैंपल्स हैं जिनकी हमें हाफ लाइफ बताई गई है कि हमारा जो फेरिक सिट्रेट सॉल्यूशन होता है उसकी हाफ लाइफ 48 डेज होती है और इसको हम हमेशा आयरन मेटाबॉलिज्म में या आरबीसी फॉर्मेशन में हम इसको यूज करते हैं। एक है हमारा एग्जाम्पल और है हमारे पास सोडियम आयोडाइड जिसका हमारे पास I-31 वाला आइसोटोप है इसका। यहाँ पे हमने फेरिक सिट्रेट में 59 आयरन फेरिक लिया हुआ था, यहाँ पे हमने आयोडाइड का 31 लिया हुआ है। इसकी हाफ लाइफ है वो 8.06 डेज है और जिसको हम यूज कर सकते हैं थायराइड स्कैनिंग और स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक के अंदर। फिर है हमारा सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, इसका भी हमने फॉस्फेट का हमने 32 वाला लिया हुआ है जिसकी हाफ लाइफ है हमारी 14.2 डेज और जिसको हम पॉलीसाइथीमिया यानी कि जब हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज में हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन को यूज करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम क्लोराइड जिसकी हमारी हाफ लाइफ है जिसका 160 डेज, जिसका हमने आइसोटोप यूज किया 45 Ca और जिसको हम यूज करते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर में या बोन कैंसर के ट्रीटमेंट में। और लास्ट है हमारा अमोनियम ब्रोमाइड इंजेक्शन जिसमें से हमने ब्रोमाइड का 82 वाला आइसोटोप लिया है जिसकी हाफ लाइफ है 36 आवर और इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर जो वाटर का मेजरमेंट होता है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब है हमारी यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो पढ़ लिया था, अब चांस है इसकी रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट्स होती है यानी कि हम किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी को मेजर करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें क्यूरी। It is defined as the quantity of any radioactive substance which undergoes the same number of disintegration in unit time as 1 gram radium and is equal to 3.7
इंटू 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यानी कि क्यूरी हमारी ये बताती है कि कोई भी क्वांटिटी है हमारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जो डिसइंटीग्रेशन होता है जिसका, और डिसइंटीग्रेशन का नंबर सेम होता है जो एक रेडियम हमारा होता है उसके, और एक रेडियम का जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो हमेशा होता है 3.7 × 10^7 डिसइंटीग्रेशन। यानी कि जब ये 3.7 × 10^7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हमारे किसी भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही हो जाएगी, वो यूनिट कहलाती है हमारी क्यूरी, जिसको हम हमेशा सिंबलाइज करते हैं सी से। तो 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हमारा हमेशा डिसइंटीग्रेट होता है 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड से। नेक्स्ट है हमारी जो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी वो है हमारी रोएंटिगन। तो इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द एक्सपोजर ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज। यानी कि जब भी हमारी कोई एक्स रेज गामा रेज का एक्सपोजर होता है उसके मेजरमेंट के लिए जो भी हमारी यूनिट हम यूज करते हैं वो होते हैं हमारे रोएंटिगन, जिसमें 1 आर हम आर से डिनोट कर रहे हैं 1 आर, और जिसकी वैल्यू होती है 2.5 × 10^-4 कूलम्ब पर केजी। यहाँ पे सी जो है हमारा कूलम्ब को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट इज आर आर ए डी, यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज। तो इट इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोज। यानी कि कितनी हमारी जो रेडिएशन की जो डोज है वो एब्जॉर्ब हुई है उसकी यूनिट को हमारा डिफाइन करता है आर ए डी, जो कि हमारा 1 RAD हमेशा इक्वल होता है 10^-2 जूल पर केजी। तो जो हमारा ईच जो 1 आर एब्जॉर्प्शन होता है एयर के अंदर वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है 0.87 RAD के इक्वल, एंड और जो वाटर के ऊपर आता है तो वो हमारा होता है 0.97 RAD। यानी कि जब एयर पे होगा तो 0.87 होगा, और जब वाटर के अंदर हमारा ये 1 आर होगा तो वो 0.97 RAD हमेशा होगा। फिर फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ आरएडी होगी। यानी कि जो भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म हम यूज करते हैं, यानी कि जो भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम यूज करेंगे वो हमेशा हमें आरएडी यूनिट्स के थ्रू हमें डिफाइन करी जाएगी। नेक्स्ट इज RBE, that means relative biological effectiveness। यानी कि रिलेटिविटी में बायोलॉजिकल की जो हमारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके कितने इफेक्टिव हैं वो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। Since the effect of given radiation on biological effectiveness depend upon the type of radiation, a unit known as RBE and it has been introduced। यानी कि क्या हमारा इफेक्ट होता है रेडिएशन का, उसके बायोलॉजिकली क्या इफेक्टिव है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की वो रेडिएशन है, और इसको हम बोलते हैं और जो यूनिट होती है हम उसको बोलते हैं आरबी। दिस एक्सप्रेसेस द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये हमें ये बताते हैं कि क्या रिलेटिव इफेक्ट है हमारे रेडिएशन का हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे। जैसे हम ये बात करें रेडिएशन पे हमें तीन टाइप की वेव बोले पार्टिकल बोले तो हम बोलेंगे तो रेज बोलेंगे तो वो है हमारी अल्फा बीटा और गामा। ये तीन टाइप की हमारी जो रेज होती है इन्हीं रेज का हम देखते हैं रेडिएशन का कि क्या इफेक्ट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे। अब बात होगी बेक्वेरल की। तो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी कि क्या 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड कितना हो रहा है वो हम बोलते हैं हमारे बेक्वेरल को 1 बेक्वेरल। बीक्यू का मतलब यहाँ पे बेक्वेरल, जिसकी वैल्यू है 2.7 × 10^-11 सीआई। यहाँ पे सीआई का मतलब है क्यूरी, यानी कि 1 बेक्वेरल जो है वो हमेशा 2.7 × 10^-11 सीआई के इक्वल होगा। Now we will be learning about the radioactive dosimetry. So dosimetry is the measurement of radiation dose. यानी कि dosimetry यानी कि dose word से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें ये बताते हैं कि हमारी जो radiation की dose है वो कितनी है। So radiation dose can be calculated only if biodistribution and clearance rates are known. अब हमारा जो हम radiation dose को तभी हम calculate कर सकते हैं अगर हमारा biodistribution है या clearance rate जो है वो हमें नोन है। अगर हमारा नोन नहीं होगा तो हम रेडिएशन डोज यानी कि रेडियो एक्टिव डोजिमेट्री को निकाल नहीं सकते। बायो डिस्ट्रीब्यूशन इज द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी विद इन द ऑर्गन व्हाइल द क्लियरेंस रेट इज द रेट एट विच द ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। जो बायो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि ऑर्गन्स के अंदर हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और क्लियरेंस का मतलब होता है कि किस रेट से जो ड्रग है हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, यानी कि एक्सक्रीट आउट हो रही है विद रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो क्लियरेंस है ये दोनों हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो जो हमारी एसआई यूनिट होती है डोजीमेट्री की वो है ग्रे, यानी कि जीआरएवाई, जिसको हम जीवाई के साथ डिनोट करते हैं, या फिर है हमारी आरएडी।
वन जी वाई और आरईडी जो है हमारी वो हमेशा इक्वल होती है 1 जूल ऑफ एनर्जी के, जो कि हमारी हमेशा फॉर्म होती है आयनाइजिंग रेडिएशन के, और जिसको हम डिवाइड करते हैं 1 किलोग्राम ऑफ मैटर से। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे आइसोटोप के जो कि एक्ट करेगा एज रेडियो डायग्नोस्टिक एजेंट के? तो पहला है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा जब हमारा यूजफुल रेडियो डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह हम उसे यूज करें, तो उसके लिए हमने लिखा है शुड रिलीज हाई एनर्जी फोटोन, यानी कि वो हाई एनर्जी फोटोन को उसको रिलीज करना चाहिए। उसकी जो हाफ लाइफ है वो 1 आवर से 1 साल तक के बीच में होनी चाहिए थी। ये डीके होनी चाहिए पार्टिकल एमिशन के बिना, यानी कि पार्टिकल का एमिशन नहीं होना चाहिए, रेज का वेव्स का चलेगा लेकिन पार्टिकल का एमिशन नहीं होना चाहिए। और ये रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसको यूज करना चाहें तो ये इजिली अवेलेबल हो, हमें इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। नेक्स्ट इज शुड हैव स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज कर रहे हैं, जैसे हमने बोन कैंसर के लिए यूज किया, तो इट शुड बी यूज फॉर दैट बोन कैंसर ओनली, नॉट फॉर लाइक इट शुड बी फॉर बोन्स कैंसर एंड इट कैन बी फॉर यूज फॉर पॉलीसाइथीमिया एंड कैन बी यूज फॉर अदर कैंसर ऑल्सो। सो इट डिडंट हैव दैट स्पेसिफिक एक्शन, so if it has any specific activity then it would be able to use for it then specific purpose. The next is should have compound ability, and it should be able to form a compound, it should not be readily available, or it should be not like it can be used at a time, that it can be forming a compound with other elements or other matters so that it can be used for other purposes also. Example, an isotope that fulfills the above property is technetium. So there is an isotope which is known as technetium, which is all the above six, that these six criteria that we have been talking about, these six criteria are being followed by this technetium. So the labeling on radioactive preparation, so the labels on the radioactive preparation, so what is this label is containing of? So first is the date of manufacture, the date on which this radioactive preparation is being prepared, the date of manufacture. Second, the date of expiry, the date on which the radioactive material lost its activity or therapeutic efficiency, that date should be written. Then the date of calibration, the date on which the material should be calibrated, or the calibration means the amount, how we will be calculating it, that it will be working as same as that it should be working. So to calculate that, we will be having right now to have a date of calibration. Then a statement caution radioactive material. तो हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि जो हमारा रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसके रिलेटेड हमें क्या क्या कॉशन चाहिए होता है, वो हमारा इसके अंदर हमें लिखना होगा। तो हमें जो स्टेटमेंट कॉशन रेडियोएक्टिव मटेरियल, हमें यहाँ पे ये लिखना होगा कि हमारा जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, तो हमें बताना पड़ेगा कि हाँ इसकी वजह से हमें रेडियोएक्टिविटी जैसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हाँ इस मटेरियल ये कंटेनर है, इसके अंदर हमारा रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा हुआ है। नेक्स्ट है डोसेज कैलकुलेशन, यानी कि जब हमारा क्या डोज, हमें जो हमने ये डोजीमेट्री पढ़ रहे थे, तो डोजीमेट्री हमें ये बता रहे हैं कि हम कितनी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो डोसेज की जो कैलकुलेशन है किस अमाउंट पर हमने कैलकुलेट करी है वो हमें वहाँ लिखनी पड़ेगी। कि हमारा एक एडल्ट है तो हमें क्या देना है, एल्डर पेशेंट है तो क्या हमें देना है, अगर हमारा कोई चाइल्ड है यानी कि न्यू इन्फेंट है, चाइल्ड है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हमें डोसेज कैलकुलेशन उसके अंदर लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज करेक्शन टू बी मेड फॉर रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि और रेडियो एक्टिव डिके जो हुआ है उसके लिए हमें क्या क्या करेक्शन हमें उसके अंदर करना पड़ेगा वो, और ये जो हमारा रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसकी हाफ लाइफ क्या है, ये सारी चीजें जो है हमारे लेवल के ऊपर, ये सारी हमारे लेवल के ऊपर ये सारी चीजें लिखी होंगी। अब है हमारा मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि हम रेडियो एक्टिविटी को किस तरीके से मेजर करेंगे। सो द मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन एंड डिटेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ रेडिएशन एंड टू एसे द रेडियो न्यूक्लियर एमिटिंग द रेडिएशन, यानी कि ये जो हमारा रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट जो है ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि किस टाइप की रेडिएशन है, जैसे कि अल्फा बीटा और गामा है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा मटीरियल कौन सी वाली रेडिएशन को अमिट करेगा, तो वही चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे कौन सा इनमें से ये रेडिएशन को अमिट करेगा एक तो उसे, और ये कि कौन सा रेडियो न्यूक्लाइड जो है वो एमिट कर रहा है किस रेडिएशन को, वो ये दोनों चीजें हैं जो है हमारी, वो हमें ये मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी से पता चल जाता है।
सुटेबल डिटेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, तो हमारे पास सुटेबल डिटेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कौन सा हमारा रेडिएशन है और कौन सा रेडियो न्यूक्लियोइड है. द रेडिएशन आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, और जो हमारे रेडिएशन है वो हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे हमने पहले ही बताया था कि अल्फा बीटा गामा रेज जो मैंने बताई थी तो उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी साथ में, तो वो जो प्रॉपर्टीज हमने वहां पढ़ी थी वही उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर हम यहाँ ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे रेडिएशन की, और उसके बेसिस हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आयनाइजिंग इफेक्ट इज मेजर्ड इन द आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड कीगर मुलर काउंटर, यानी कि जो हमारा आयनाइजेशन का इफेक्ट है हम उसे मेजर करते हैं हमारे आयनाइजेशन चैम्बर में, प्रोपोर्शनल काउंटर में, या फिर हमारे गीगर मुलर काउंटर में, इन सारे के अंदर हमारा आयनाइजेशन इफेक्ट जो है हम करते हैं. उसका प्रिंसिपल है, ऑल द डिटेक्टर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेडिएशन डिपॉजिट इट्स एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज कैरियर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिटेक्टर विच शोज इन द फ्लो ऑफ करंट और अ वोल्टेज पल्स. यानी कि ये जो सारे जो डिटेक्टर्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही प्रिंसिपल होता है कि जो हमारा रेडिएशन है वो डिपॉजिट करती है अपनी एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में, और या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली वो ऐसा इफेक्ट डालती है कि जो हमारा करंट का फ्लो हो जाता है हमारे डिटेक्टर्स के थ्रू या फिर वोल्टेज पल्स का, यानी कि करंट फ्लो होगा या तो वोल्टेज पल्स बनेगी हमारे डिटेक्टर के थ्रू. और ये कब होगा? जब भी हमारा कोई रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देगा चार्ज कैरियर्स के अंदर, क्योंकि चार्ज होगा तभी जो है हमारा जो करंट या वोल्टेज का पल्स फ्लो होगा. तो हमारे जो डिटेक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, गैस फिल्ड होते हैं, एक सॉलिड स्टेट होते हैं. गैस फिल्ड होगा यानी कि जो भी हमारे मटेरियल्स होंगे उसके अंदर या तो गैस फिल्ड होगी, और जो हमारे सॉलिड स्टेट है उसके अंदर या तो हमारा कोई भी मटेरियल जो होगा वो हमारा सॉलिड स्टेट होगा. तो फर्स्ट इज गैस फिल्ड डिटेक्टर्स, यानी कि वो हमारे डिटेक्टर्स होंगे जिसके अंदर एक हमारी गैस फिल्ड होती है. सो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका आयोनाइजेशन चैम्बर. इट इज द सिंपलेस्ट गैस फिल्ड डिटेक्टर विच इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ ऑल द चार्जेस क्रिएटेड बाय डायरेक्ट आयोनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि एक हमारे ये सिंपल गैस फिल्ड डिटेक्टर है जो कि हमारा बेस्ड होता है कि जो कि कलेक्शन होता है हमारे चार्जेस का, एक जो डायरेक्टली हमारा आयोनाइजेशन के थ्रू, जो भी हमने भी बताया था कि हमारे सारे जो भी हमारे ये डिटेक्टर्स होते हैं ये जो हमारे सारे बेस्ड होते हैं कि जो भी हमारी रेडिएशन होती है वो चार्ज के अंदर फॉर्म हो जाती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिटेक्टर के थ्रू पास करती है, जिसमें वो करंट के थ्रू या फिर वोल्टेज पल्स के थ्रू होता है. तो इस केस के अंदर भी ये डायरेक्टली हमारा आयोनाइजेशन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ एक्ट करता है, और इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाता है, जनरेशन हो जाता है. तो ये रहा देखो हमारा रेडिएशन का सोर्स है, ये आया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है रेडिएशन का, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो रहा है. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो यहाँ पे वोल्टेज का पल्स आया, और इस वोल्टेज पल्स की वजह से ये हमारे ये बैटरी लगी हुई है, इसके थ्रू हमारा ये पता चल जाएगा हमें कि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो जनरेशन हुआ है, यहाँ पे करंट मेजर हुआ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हुआ, तभी हमारा आयनाइजेशन चेम्बर में आ गया. तो इट कंसिस्ट ऑफ चेम्बर फिल्ड विद गैस लाइक आर्गन, हीलियम और एयर एक्सेट्रा. यहाँ पे जो ये हमारा चेम्बर है इसके अंदर या तो आर्गन, हीलियम और एयर होती है. ये आर्गन हीलियम हमने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ही इनर्ट गैसेज हैं, और ये इनर्ट गैसेज हैं, ये रिएक्ट नहीं करेंगी, कोई भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं करेंगी, और इसकी वजह से जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज्यादा स्मूथली कंडक्ट हो जाएगा. क्योंकि अगर कोई ऐसी गैस होगी जो कि रिएक्ट करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगी, और मे बी ये हो सकता है कि जो हमारा वोल्टेज जनरेशन जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो हमारा एग्जैक्टली हमें ना मिले जो हमें चाहिए. आयनाइजेशन चेम्बर इज फिटेड विद टू इलेक्ट्रोड्स कैप्ड एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जो हमारा इसके अंदर आयनाइजेशन चेम्बर है इसके अंदर हमारे दो इलेक्ट्रोड्स होंगी जिसका अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जिसका हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वेरी करेगा वो 50 to 100 volt करेगा ईच सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड. यानी कि अगर 1 centimeter का डिफरेंस होगा तो 50 to 100 volt का होगा, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा 50 to 100 के रेंज में इसका वेरी करता जाएगा. फिर देन अ मेजरिंग डिवाइस टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ करंट, और एक मेजरिंग डिवाइस लगा होगा जो कि हमें यह बताएगा कि करंट का फ्लो कैसा है, उसके लिए भी होगा. देन रेडिएशंस ब्रिंग अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और आयन विच कॉज एमिशन. फिर जो हमारा जो ये रेडिएशन है वो आयोनाइजेशन होगा गैस मॉलिक्यूल्स का और आयन का, जिसकी वजह से हमारा एमिशन होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन टर्न रिवील्स अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, और जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे
और इसकी वजह से चेंज हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर।